गुड इवनिंग। आज सरप्राइज मैंने क्लास रख दिया है, आप लोगों को इसकी सूचना भी नहीं हो पाई। तो अगर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जा रहा है तो जल्दी जल्दी लाइव हो जाइए ताकि हम लोग क्लास को आगे बढ़ा सकें। वेरी गुड अजय जी, गुड इवनिंग। तो मेरी आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, स्वस्थ हैं सब। अच्छा चलिए, तो हम लोग अब शुरुआत करेंगे। और आप लोगों के स्क्रीन पर अब मैं बता दूं कि आज मैं करने क्या वाला हूं। आज हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और संभवतः हो सकता है कि आज की क्लास में खत्म ना हो पाए, कल की क्लास भी करनी पड़ जाए, हो सकता है कि परसों की भी क्लास करनी पड़ जाए। मतलब आज कल और परसों मिला के हम लोग एविडेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कृष्ण कुमार प्रणाम। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक बड़ी चीज है। और वो ये है कि यूजीएसटी शुरू हो रहा है, और यूजीएसटी का मतलब ये होता है अन अकेडमी जुडिशियरी स्कॉलरशिप टेस्ट। ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपको, ये स्कॉलरशिप टेस्ट, ये स्कॉलरशिप टेस्ट में जो स्टूडेंट यहाँ के स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए 100% स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। मतलब ये कि 100% स्कॉलरशिप मिलेगी उसको पढ़ाई करने के लिए। कब है ये टेस्ट? तो ये टेस्ट आपको 13 नवंबर को होगा, सुबह 11 बजे। इस बार प्राइजेस 3 लाख रुपए तक के रखे गए हैं। ये स्कॉलरशिप तो है ही, उसके साथ साथ जो रैंक 1 आएगा उसे मिलेगा टैबलेट, और जो रैंक 2 आएगा उसे मिलेगा 5G फोन, और उसके अलावा जो रैंक 3 से लेके 7 तक होंगे उन्हें ईयरबड्स मिलेगा, और सेक्शन 8 से लेके सेक्शन 70, अरे 8 से लेके रैंक 17 तक उनको, और 18 to 100 जो रैंक लाने वाले होंगे उन्हें मिलेंगे गिफ्ट वाउचर। तो ये है, और इसमें आपको करना कैसे है, इस वीडियो के लिंक में आप जाएंगे तो वो वीडियो में वो लिंक मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वो लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक के माध्यम से आप इसको एनरोल कर सकते हैं, और साथ में उसकी उसके लिए रेडी हो सकते हैं कि आपको उस दिन टेस्ट देना है। ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन रहते हैं उसमें सारे लॉस मिला के, और आप उस को करके एकदम निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं। तो चलिए, शुभकामनाएं हैं आपके इस टेस्ट के लिए, आप इस टेस्ट में शामिल होइएगा। चलिए, तो उजाला नमस्ते, सुलेखा नमस्ते, प्रणाम, ममता गुड इवनिंग, फिरदौस गुड इवनिंग। टेस्ट में बेटा सारे सब्जेक्ट होते हैं, वो एक सब्जेक्ट नहीं होता, सारे सब्जेक्ट होते हैं, यहां तक कि उसमें जीएस भी होता है। और कुछ नहीं, तुक्का ही तो मारना है अगर ना आ रहा हो तो, और अगर मान लीजिए किस्मत अच्छी हो तुक्का मार के भी हो जाए तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और अगर मान लीजिए सब्सक्रिप्शन जो लेना चाहते हैं अनअकैडमी का, वो लाभ तो मिल ही रहा है। वंदना गुड इवनिंग। तो ये है, उसके अलावा आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो बाकी ये इसी के बारे में कह रहा था, ध्यान रखिएगा 13 नवंबर को सुबह 11 बजे, और एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। बाकी सारे बैच आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि चलती है, और ये सारे बैच आपको टेस्ट सीरीज है, उसके अलावा आप देख सकते हैं मेंस की टेस्ट सीरीज है, केस लॉ बेस्ड टेस्ट सीरीज है, और जजमेंट राइटिंग की भी टेस्ट सीरीज चलती है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो हैं राजस्थान जुडिशियल सर्विस में अभी जो सफल हुए थे
उन लोगों के रैंक भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा देखिए पंजाब और छत्तीसगढ़ के प्रीलिम्स के लिए बैच चल रहा है, उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये कंप्रिहेंसिव जुडिशियरी इवनिंग बैच है, 29 सितंबर से शुरू हुआ है, 15 महीने का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर उतना सब्सक्रिप्शन नहीं लेने में सक्षम है तो 3499 मतलब 3499 रुपए में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। किस बात के लिए? टेस्ट सीरीज के लिए। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें 50 से ज्यादा टेस्ट सीरीज आपको देने के लिए मिलेगी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो उसके अलावा आप कर सकते हैं, बाकी चीजें आप फैसिलिटी आगे जानते हैं कि अनअकैडमी की जो क्लासेस होती हैं इंटरेक्टिव होती हैं, लर्नर्स के साथ पोल होते हैं, हैंड रेज करके अपने डाउट आप क्लियर कर सकते हैं लाइव क्लास में भी। तो एकदम आप ऑफलाइन क्लासेस का मजा आप ऑनलाइन में भी ले सकते हैं। उसके अलावा लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, घर बैठे आप पढ़ाई कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें, नमस्ते हेमलता, ये सारी चीजें हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन होते रहते हैं, लाइव मेंटरशिप आपको मिलती है, मार्क टेस्ट भी होंगे, और ये है फीस स्ट्रक्चर, और जिस फीस स्ट्रक्चर से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोई भी प्लान आप चुन सकते हैं, और इसमें से कोई भी प्लान चुनेंगे तो अगर इस कोड का प्रयोग करेंगे तो 10% का डिस्काउंट हो जाता है, रॉयल और 10 ये कोड है, इसको चुनने पर थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाएगा 10% तक। और ये इंस्टॉलमेंट में भी फी पेमेंट कर सकते हैं, तो इसमें भी बड़ी सुविधाजनक है। कोई भी प्लान 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने कोई भी प्लान भी ले सकते हैं। ये है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें लाइव मेंटरशिप मिलती है, उसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इसका एक फायदा ये है कि लाइव मेंटरशिप इसमें मिलती है। और ये बाकी चीज़ों के बारे में इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, तो फिर बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया ही था कि आज हम लोग एविडेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और एविडेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो अब हम लोग वही एविडेंस के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, सुंदरम सिंह जी नमस्ते। हाँ, तो बहुत पहला आसान है, क्योंकि एविडेंस से मैंने 100 प्रश्न लिए हुए हैं, तो निश्चित रूप से शुरुआत से ही हम क्रमशः आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा। पहले प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 के अनुसार यह अधिनियम कब प्रवर्तित हुआ, कब प्रवर्तित हुआ यह अधिनियम, बताइए तुरंत, यह अधिनियम कब प्रवर्तित हुआ है। बिल्कुल सही, ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। ऑप्शन नंबर बी 1 सितंबर 1872 को, और सेम इसी तरीके डेट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इन्फोर्स हुआ था। वेरी गुड सुलेखा, फिरदौस, हेमलता, वंदना, सुंदरम। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू फटाक से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर दीजिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रीएम्बल के अनुसार अधिनियम का प्रयोजन है, उद्देशिका के अनुसार इसका क्या उद्देश्य है। आपके सामने ऑप्शन है, परिभाषित और संशोधित करना, समेकित करना, परिभाषित और संशोधित करना, और समेकित, परिभाषित और संशोधित करना, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, इसका सही ऑप्शन, वेरी गुड सुलेखा, हेमलता, वंदना, इसको समेकित करना, कंसोलिडेट करना, डिफाइंड करना और अमेंड करना, ये तीनों है। वेरी गुड वासुंदरम, एकदम हिंदी में है तो हिंदी में ही आप जवाब भी दे रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो बहुत आसान है, शुरू के तो सारी चीजें आसानी। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं, कितने सेक्शन और कितने चैप्टर हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत, बहुत आसान।
वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ये है आपका 167 सेक्शन और 11 चैप्टर, और अगर मान लीजिए इसमें पूछ देता तो 3 पार्ट्स भी हैं, 3 भागों में बटा हुआ है। इसका आंसर दीजिए। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है जम्मू एवं कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में। दूसरा है किसी भी न्यायालय के समक्ष समस्त न्यायिक कार्यवाहियों में, किसी मध्यस्थ के समक्ष जारी कार्यवाहियों में, किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों में। बताइए इसका आंसर। इसमें प्रोबेबल आंसर क्या लग रहा है आपको? आंसर जो दिख रहा है उसके चक्कर में पड़िएगा, गलत मलत आंसर भी है। इसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबल आंसर क्या लग रहा है आपको? जम्मू एवं कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में। वेरी गुड, पकड़ लिया आप लोगों ने। चलिए अगला ये वाला क्वेश्चन, ये छोड़ दीजिए, ये वाला दीजिए, ये वाला आंसर दीजिए आप। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 के अनुसार कौन सी कार्रवाइयां भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रवर्तन से विशेष तौर से अपवर्जित हैं? क्या हैं? इसके इन्फोर्समेंट से स्पेशली एक्सक्लूड किए गए हैं। वेरी गुड अजय। तो ये औद्योगिक न्यायाधिकरण, मध्यस्थ, प्रशासनिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या लिखा है कि विशेष तौर से अपवर्जित करना, मतलब एक्सप्रेसली यहां बताया गया है कि मध्यस्थम के समक्ष कार्यवाहियों पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा ये देख लीजिए, इसके बाद आपको कूट भी मिलेगा। ये जो देख रहे हैं ना, इसमें आप उन्हें भी नहीं है, अभी मैं दे दूंगा कि कितने स्टेटमेंट इसमें सही। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस पर लागू नहीं होता? माध्यस्थम के समक्ष, के शपथकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्वयं के शपथ पत्र पर, बच्चे द्वारा किए गए कथनों पर, ऐसे व्यक्ति के कथन जिसका अतीत आपराधिक रहा हो। अब इसमें आपको ये ऑप्शन चुनना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। बताइए बताइए सुलेखा बताइए। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं इसको। देखिए ये स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट में कौन कौन से मामलों में ये लागू नहीं होता इंडियन एविडेंस एक्ट। और ये कूट हो गया। फिरदौस जी नेटवर्क कमजोर होगा ना, नेटवर्क कमजोर होने की वजह से शो हो सकता है ना हो रहा। ऑप्शन ये देख लीजिए। अब इसमें सही ऑप्शन है 1 और 2, माध्यस्थम के समक्ष कार्यवाहियों पर भी लागू नहीं होता और शपथ पत्रों पर भी लागू नहीं होता। वेरी गुड। माध्यस्थम के समक्ष कार्यवाहियों पर भी और शपथ पत्रों पर भी लागू नहीं होता। चलिए ये बताइएगा, इसका आंसर बताइए कि नीचे दी गई कूट संख्या का उपयोग करते हुए गलत कथन को चुनना है। गलत कथन को चुनना है
भारतीय साक्ष्य अधिनियम माध्यस्थम कार्रवाई पर लागू नहीं होता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य दर्ज करने हेतु न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी आयुक्त के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम सभी प्रकार के सैन्य न्यायालयों के समक्ष संपन्न न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है। इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है? इसमें से बताइए। इसमें तो सबसे ज्यादा सही सब कोई नहीं लग रहा है। एग्जैक्टली तो सब सही नहीं लग रहा इसमें। इसमें कोई ऑप्शन पूरा नहीं है जो सही, गलत हो गया है। ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उसको कैंसिल कर दीजिए, है ना, उसको कैंसिल कर दीजिए। इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप किसने तैयार किया था? साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप किसने तैयार किया? ये लॉर्ड मैकाले, स्टीफन हक्सले, मैन। ये बिल्कुल सही है, जेम्स स्टीफन, वेरी गुड। ये बताइए, साक्ष्य विधि है लेक्स टेलाइनिस, लेक्स फोरी, लेक्स लोकी, लेक्स साइट्स। ये तो बहुत बार रिपीट है। ये ऑप्शन हो जाएगा लेक्स फोराई, कहीं कहीं लेक्स फोरी लिखा रहता है, कहीं कहीं लेक्स फोराई लिखा रहता है, तो लेक्स फोरी हो गया, है ना। फोरू तो नहीं पढ़ा मैंने, फोराई कहीं पर पढ़ा है, कहीं कहीं फोरी पढ़ा है। लेक्स फोरी यानी कि इसका मतलब हो गया स्थानीय विधि, यानी जहां कार्यवाही की गई है। ये बताइए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम संपूर्ण नहीं, साक्ष्य विधि से संबंधित अनेक नियम सिविल प्रक्रिया संहिता में मिलते हैं, कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में मिलते हैं, कि उत्तराधिकार अधिनियम में मिलते हैं, कि उपरोक्त सभी में मिलते हैं। बताइए बताइए। सीपीसी, क्योंकि प्रोसीजरल लॉ है ना। अब आप जानते हैं कि सीपीसी एक तरफ रहती है, एक तरफ सीआरपीसी रहती है, और बीच में बड़ा है
एविडेंस, तो एविडेंस इसको भी पूरा करता है, एविडेंस इसको भी पूरा करता है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है किस पर? प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कार्यवाहियों पर, मध्यस्थता की कार्यवाहियों पर, अवमानना की कार्यवाहियों पर, के उपयुक्त में से किसी पर नहीं। नमस्ते फेमस, नमस्ते। देखिए इसको लेके कोर्ट में डिस्प्यूट है ना। ये ऑप्शन नंबर सी जो है उसको लेके बड़ा आगे पीछे रहता, लेकिन अब ये है कि यहां यही लगा दीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा। बाकी प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कार्रवाईयों पर चाहे मध्यस्थम कार्रवाईयों पर तो लागू होता नहीं, तो इसलिए बड़ा डिस्प्यूटेड है, इसलिए डी ही लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय शब्द में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? सभी न्यायाधीश, साक्ष्य ग्रहण करने हेतु विधिक तौर पर प्राधिकृत सभी व्यक्ति, सभी मजिस्ट्रेट, मध्यस्थ, क्या शामिल नहीं? ठीक, तो ये हो जाएगा, ये शुरू से ही हम लोग जानते हैं, मध्यस्थ एविडेंस एक्ट में दिख गया, बस उसी को निशाना बना दीजिए आप लोग। क्या लिखा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय शब्द का अर्थ है सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, माध्यस्थम को छोड़कर साक्ष्य ग्रहण करने हो तो समस्त व्यक्ति, उपर्युक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वेरी गुड सुनीता, सुलेखा, पूनम, कृष्णा, हेमलता, अजय, प्रीति, फेमस, वेरी गुड प्रीति। इसका भी डी ही होगा, क्योंकि सब न्यायालय की परिभाषा के अंतर्गत सब लोग आते हैं, उसमें कौन नहीं आता? माध्यस्थम नहीं आता, तो ये तो लिख ही दिया है माध्यस्थम उसके अंतर्गत नहीं आता। फिर यही क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन कि न्यायालय में क्या शामिल नहीं है। इसको तो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, आप बहुत आसान है। ये सवाल का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय साक्ष्य क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग डाल देंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि होता क्या है कि कहीं कहीं कुछ बच्चे जो होते हैं लेट रिस्पांस करते हैं, मतलब उनके यहाँ नेटवर्क की वजह से वो लाइव नहीं हो पाते, थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, तो वो जब हम सवाल कुछ और पूछ रहे होते हैं उनका जवाब किसी और प्रश्न का आ रहा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर भी डाल देंगे तो ठीक रहेगा। अब देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित शब्दों में के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तथ्य में न केवल भौतिक बल्कि मनोवैज्ञानिक तथ्य भी शामिल होते हैं, न्यायालय के अंतर्गत मध्यस्थ आते हैं,
किसी सेला पर उत्कीर्ण लेख एक दस्तावेज होता है और किसी तथ्य को साबित, एक सेकंड, हाँ यहां नहीं है भैया, कौन से कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है, किसी तथ्य को साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वो न तो साबित हुआ है और न ही ना साबित हुआ है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है, अब ये जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए, 17 का क्या आप जवाब दे रहे हैं? इसका सही जवाब है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब है कि न्यायालय के अंतर्गत मध्यस्थ आते हैं, ये गलत हो गया, बाकी सब सही, बाकी तो मनोवैज्ञानिक तथ्य भी आते हैं, भौतिक तथ्य भी आते हैं, आप जानते ही। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से वही वाली बात आ गई ना कि तथ्य हो सकते हैं भौतिक मनोवैज्ञानिक, भौतिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी, केवल भौतिक न कि मनोवैज्ञानिक, मतलब भौतिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी, क्योंकि फैक्ट की जब डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं ना तो उसमें यही बताता है कि ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो तथ्य है, ऐसी कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो भी तथ्य है। तो भौतिक तथ्य भी आता है इसमें और मनोवैज्ञानिक तथ्य भी आता है। ये देखिए कि साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत तथ्य का अर्थ है, तथ्य का अर्थ है फैक्टम प्रोबेंडम, यानी साबित करने की आवश्यकता वाला तथ्य, फैक्टम प्रोबेंस प्रासंगिक तथ्य के उपरोक्त क और ख दोनों के उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। आज आप लोग बहुत सही जवाब दे रहे हैं ना, कि कल जो हम लोग टेस्ट पेपर लाएंगे, कल 4:30 बजे से फिर से क्लास रहेगी, ठीक है, तो 4:30 बजे से जो क्लास रहेगी कल, कल हम एविडेंस के ही क्वेश्चन रखेंगे, लेकिन बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, छांट छांट के, अभी तो क्रम से जा रहा है तो आप समझ जा रहे हैं, लेकिन कल छांट छांट के प्रश्न आप लोगों के सामने रखेंगे, तो मुश्किल होगा फिर बताना। हाँ बिल्कुल, ये दोनों प्रकार के तथ्य आते हैं इसमें। निम्नलिखित में से क्या एक तथ्य है? हरि ने कहा, मोहन ने देखा, राम ने झूठ बोला, उपरोक्त सभी, बताइए बताइए तुम बताइए। क्या एक तथ्य है? हाँ बिल्कुल, ये सारे के सारे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये सारे के सारे हैं, हरि ने कहा, मोहन ने देखा, राम ने झूठ बोला, ये सारे के सारे फैक्ट हैं। एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित क्रम में निश्चित वस्तुएं व्यवस्थित थी, ये क्या है? एक तथ्य है कि राय है कि दस्तावेज है कि हेतु? एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित क्रम में वस्तुएं व्यवस्थित थी, ये क्या है? एक तथ्य है कि एक राय है कि एक दस्तावेज है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 21 का हो जाएगा एक, अरे क्या कुछ लोग गलत जवाब दे रहे हैं। हाँ ये एक तथ्य है, है ना, कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध, क्या है ये? तथ्य ही तो है। तो आज की क्लास बहुत लंबा नहीं रखते हैं, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत आसान है,
कल रखेंगे अच्छे क्वेश्चन, कठिन कठिन क्वेश्चन तो रखेंगे, एक दो ठो क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत तथ्य का अर्थ है कोई भी वस्तु जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, कोई भी वस्तु जो केवल इंद्रियों द्वारा बोधगम्य न हो, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, कोई वस्तु वस्तुओं जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो और कोई ऐसी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। तथ्य के अंतर्गत इसमें से कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। वेरी गुड, यही है तथ्य की परिभाषा, कोई वस्तु वस्तुओं की अवस्था जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो और कोई ऐसी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को। बच्चों देखिए क्या करिएगा ना, कल 4:30 बजे वाली जो क्लास होगी ये यूट्यूब की लाइव, इस क्लास में आप बाकी बच्चों को भी, जैसे अपने मित्र दोस्त जो होंगे उनको भी इन्वाइट करिएगा कि वो भी लाइव क्लास में आए, तब मजा आएगा करने का। तब जितने ज्यादा लोग रहते हैं तब उतना ज्यादा अच्छा रहता है। क्वेश्चन का लेवल कल ठीक ठाक रखा जाएगा, आज वाला क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, इसी वजह से नहीं, एक घंटे की क्लास थी और मैं जल्दी से खत्म इसी वजह से करने जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आसान है और इतना आसान क्वेश्चन न सॉल्व कराने में मजा आता है न करने में मजा आता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इतने आसान आसान क्वेश्चन है कि मुझे देने में भी लग रहा है शर्म आ रही है कि अब इतने विद्वानों को मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कैसे दूं। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन करिए, सुंदरम जी मैं कर देता समझे ना, लेकिन वो रूटीन थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है, हमारे तरफ से नहीं है ये, अनअकैडमी की तरफ से होता है। तो ये शेड्यूल जो है फिक्स हो गया है, 4:30 बजे वाला स्लॉट हमने ले लिया ना, तो ले लिया है। अब वो समझ लीजिए बेकार महीना कम से कम चलेगा क्योंकि अब दूसरे टाइम पर कोई दूसरा टीचर आ जाता है। अब हमारा जो 4:30 बजे के 5:30 बजे खत्म होता होगा तो दूसरे टीचर का स्लॉट रहेगा, हम 5 बजे शुरू करेंगे तो हमारा 6 बजे तक चलेगा, ये दिक्कत आती है। तो ये आप बताइए क्वेश्चन कि एक साक्षी न्यायालय के समक्ष कथन द्वारा कमरे में सजाई गई वस्तुओं का सविस्तार वर्णन करता है, यह क्या है? ये तथ्य है, राय है, दस्तावेज है, कारण है। वेरी गुड। और अभी तो मान लीजिए अभी कल और परसों तो एमसीक्यू ही कराएंगे, उसके बाद कुछ और उपाय देखते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सके, कुछ और भी चीजें देखते हैं। कल परसों तो एमसीक्यू ही कराते हैं एविडेंस का, फिर उसके बाद कुछ और अच्छा देखते हैं ताकि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो उसमें। इतना आसान क्वेश्चन तो मजा नहीं आता। हाँ बिल्कुल, ये फैक्ट ही है, ये फैक्ट ही है। ये वाला आंसर दीजिएगा। ये वाला आंसर दीजिए, मान के चलिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये वाला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विवाद्यक तथ्य नहीं? विवाद्यक तथ्य नहीं, किसी अधिकार के अस्तित्व को पक्षकारों द्वारा या तो स्वीकार या तो अस्वीकार किया गया, किसी अयोग्यता या अस्तित्व को पक्षकारों द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया गया, किसी अधिकार के अस्तित्व को पक्षकारों द्वारा स्वीकार करना, इसमें से क्या विवादित तथ्य नहीं है ये बताना है आपको।
और नीचे कूट दिया हुआ है, उस कूट की सहायता से अपना आंसर चुनना है। इसमें से सही ऑप्शन बता दीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। बिल्कुल यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रश्न क्या है, विवाद्यक तथ्य नहीं है ना। विवाद्यक तथ्य नहीं है कि मतलब किसी अधिकार के अस्तित्व को जब स्वीकार कर लिया गया तो काहे का विवाद यार। विवाद्यक तथ्य नहीं है पूछ रहा है ना, तो जब किसी अधिकार के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया गया तो फिर विवाद्यक कहां है, वो तो स्वीकृत तथ्य हो गया। चलिए कोई बात नहीं, एक फिर से मैं आप लोगों को, जो बच्चे शुरू में नहीं थे, मैं बता दूं कि देखिए 13 नवंबर को सुबह 11 बजे से एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है जो बिल्कुल फ्री है, और उस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगी, जिस लिंक के माध्यम से आप उसको एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। बिल्कुल भी एनरोल करने का, टेस्ट देने का कोई फीस नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि इसमें 3 लाख रुपए तक के प्राइज रखे गए हैं। ये तो प्राइज हो गए। उसके अलावा अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो अच्छा रैंक आने पर 100% सब्सक्रिप्शन फ्री भी रहेगा, ठीक है। 100% स्कॉलरशिप फीस में भी मिलेगी। 3 लाख रुपए तक के प्राइज हैं, जैसे फर्स्ट प्राइज में आपको टैबलेट मिलेगा, ठीक है, और सेकेंड प्राइज में 5G स्मार्टफोन होगा, और थर्ड से लेके 7 तक ईयरबड्स होंगे, उसके अलावा आप 8 से लेके 17 तक जो होगा वो होगा होम, क्या कहते हैं, म्यूजिक सिस्टम रहता है, कुछ स्पीकर, होम स्पीकर है। उसके अलावा 18 से लेके 100 तक का जो प्राइज है वो आपका है गिफ्ट वाउचर है। तो ये इतने 100 तक के प्राइजेज हैं इसमें, और 3 लाख रुपए तक के प्राइजेज जीतने का आपको मौका मिल रहा है। 100% स्कॉलरशिप भी मिल रही है। तो लिंक जो होगा इस वीडियो के अंतर्गत, उस वीडियो में लिंक करिएगा। अगर मान लीजिए कहीं कोड पूछेगा, रेफरल कोड, तो कोड में आप यही डाल दीजिएगा, राय लॉ 10। ये जरूर याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कहीं डालने के लिए आए कि कोई कोड डालने के लिए, तो आप उसमें राय लॉ 10 RAILAW10 ये कोड जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। कल मिलते हैं अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ, ठीक 4:30 बजे रेडी रहिएगा, तो फिर बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग बढ़िया कॉम्पिटिटिव माहौल में, ठीक है। आज तो मैंने इसलिए खत्म कर दिया, क्वेश्चन मजेदार नहीं थे। बाय बाय।